मैट्रिक की परीक्षा के पहले दिन चिटिंग करते 37 स्टूडेंट एक्सपेल्ड। गया में पकड़ा गया मुन्ना भाई। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन चिटिंग के आरोप में 37 छात्रों को एक्सपेल किया गया है, जबकि गया से दूसरे की जगह परीक्षा देते एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा छात्र नालंदा जिला से निष्कासित किए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक नालंदा जिला से 12, रोहतास से 6, मधुबनी से 6, सारण से 3, अरवल से 2, पश्चिम चंपारण से 2, जमुई से 2, मुंगेर से 1, सिवान से 1, भोजपुर से 1 और पटना जिले से 1 परीक्षार्थी को कदाचार के आरोप में निलंबित किया गया है। बता दें कि मैट्रिक परीक्षा पूरे बिहार के 1368 केंद्रों पर चल रही है, जिसमें भाग लेने के लिए 15,29,393 परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा था। पहली पाली और दूसरी दोनों ही पाली में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की परीक्षा ली गई। मजेदार बात यह है कि इस बार परीक्षा की दोनों ही पालियों में छात्रों के मुकाबले ज्यादा बड़ी संख्या में छात्राओं ने परीक्षा दी। वहीं परीक्षा के पहले दिन बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पटना के गर्दनीबाग स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, यारपुर स्थित कमला नेहरू गर्ल्स हाई स्कूल और गर्दनीबाग के SRPS गवर्नमेंट प्लस टू हाई स्कूल समेत कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुद ही कई छात्रों की जांच की और कदाचार मुक्त परीक्षा का निर्देश अधिकारियों को दिया।